स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल फिल्मी मेमोरीज में। आज के वीडियो में फेमस इंडियन प्रोड्यूसर और डायरेक्टर टीआर रामन्ना जी के डायरेक्टिंग करियर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। उम्मीद हमारी कोशिश आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इन्होंने ज़्यादातर मूवी तेलुगू और तमिल लैंग्वेज बनाई हैं। इनकी हिंदी लैंग्वेज बनी हुई सबसे पहली मूवी आई थी इनके डायरेक्शन में, जिसका नाम था वारिस। इस मूवी में लीड कास्ट में थे जितेंद्र, हेमा मालिनी, कामिनी कौशल, नाजिमा, नीतू सिंह, अरुणा ईरानी, महमूद और प्रेम चोपड़ा। इस मूवी का बजट था 60 लाख रुपए। इस मूवी ने भारत में कमाई की 1 करोड़ 25 लाख की और दुनिया में कमाई की 2 करोड़ 50 लाख की। कमाई के अनुसार से इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। टी आर रामन्ना जी के डायरेक्शन में अगली मूवी आई थी 1970 में, जिसका नाम था हमजोली। इस मूवी में लीड कास्ट में थे जितेंद्र, लीला चंद्रावरकर, शशिकला, महमूद, मुमताज, नाजिर हुसैन और प्राण। इस मूवी का बजट था 75 लाख रुपए। इस मूवी ने भारत में कमाई की 1 करोड़ 55 लाख की और दुनिया में कमाई की 3 करोड़ 10 लाख की। कमाई के अनुसार से इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। टी आर रामन्ना जी के डायरेक्शन में अगली मूवी आई थी 1970 में, जिसका नाम था जवाब। इस मूवी में लीड कास्ट में थे जितेंद्र, लीना चंद्रावरकर, मीना कुमारी, अशोक कुमार, महमूद और प्रेम चोपड़ा। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। टी आर रामन्ना जी के डायरेक्शन में अगली मूवी आई थी 1971 में, जिसका नाम था लगान। इस मूवी में लीड कास्ट में थे नूतन, फरीदा जलाल, बिंदु, परीक्षित साहनी, नासिर हुसैन और प्रेम चोपड़ा। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1972 में, जिसका नाम था वफा। इसको टी आर रामन्ना जी ने डायरेक्ट किया था। इस मूवी लीड कास्ट में थे संजय खान, राखी, गुलजार, जयश्री टी, नासिर हुसैन, प्रेमनाथ, मदनपुरी और राजेंद्र नाथ। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1972 में, जिसका नाम था आँख मिचोली। इसको डायरेक्ट किया था टी आर रामन्ना जी ने। इस मूवी लीड कास्ट में थे राकेश रोशन, भारती, फरीदा जलाल, पूर्णिमा, ओम प्रकाश और जगदीप। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर एवरेज करार दिया गया। टी आर रामन्ना जी के डायरेक्शन में अगली मूवी आई थी 1979 में, जिसका नाम था युवराज। ये इनकी लास्ट मूवी थी। इस मूवी लीड कास्ट में थे विनोद खन्ना, नीतू सिंह, जय मालिनी, इंद्राणी मुखर्जी, कबीर बेदी, आगा, आशीष सेन और रंजीत। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। ये इनकी लास्ट मूवी थी, इसके बाद इनकी कोई मूवी नहीं आई। तो व्यूअर्स, ये प्रोड्यूसर और डायरेक्टर टी आर रामन्ना जी की मूवीज़ का बॉक्स ऑफिस एनालिसिस था। इनके डायरेक्शन में बनने वाली कौन सी मूवी आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, कौन सी आपकी फेवरेट मूवी रही, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और व्यूवर्स, आप किस डायरेक्टर या एक्टर एक्ट्रेस का बॉक्स ऑफिस एनालिसिस देखना चाहते हैं, इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक फॉर फुल वीडियो वॉचिंग।